कौन सा पासपोर्ट कैसे लिया जाएगा और बच्चों को ड्यूल नेशनल कैसे बनाया जाए, मल्टीपल कंट्रीज के कैसे पासपोर्ट्स दिलवाए जाए उनको। तो ये जस्ट नॉलेज, ये सब नॉलेज है, और वो मैं चाहता हूँ कि नॉलेज को स्ट्रक्चर किया जाए, उसको स्ट्रक्चर एक फॉर्मेट में 100 कंट्रीज का एक पूरा बना दिया जाए, फोल्डर्स बना दिए जाएं, और सबको बोला जाए कि आप सारे कंट्रीज को एक्सप्लोर करें और फाइंड आउट करें कि कौन सा मुल्क है जो $1500 में आपके लिए पॉसिबिलिटीज हैं, कि आप $1500 में आपका वर्क परमिट भी हो जाएगा, आप वहां चले जाएंगे, शायद $500 की जॉब मिले। मैं कहता हूँ $300 की जॉब मिल जाए कोई बात नहीं, आप एक बार घुसने वाले बने अगर आप यंग हैं तो। मस्जिदों में सोना पड़ता है, मस्जिदों में जाके सोइए, रोडों में रहना पड़ता है, रोडों में जाके रहिए, लेकिन जरूर ट्रेवल करें अपनी लाइफ में, ट्रेवलिंग मस्ट करें आप लोग, एक्सप्लोर करें दुनिया को। तो दैट्स अ पर्पस, और उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं चाह रहा था। मैं इनकरेज करूंगा सारे मेंबर्स को कि प्लीज जो जो मेंबर्स जानते हैं जिन जिन मुल्कों में, रशिया में जिनको पता है कि जी वर्क परमिट ऐसे मिलेगा, टीआर ऐसे मिलेगा, टर्की का जिन लोगों को नॉलेज है टीआर ऐसे मिलेगा, पीआर ऐसे मिलेगा, और वर्क परमिट इस तरह मिल सकता है आपको, स्पाउस वीजा इस तरह मिल सकता है, तो प्लीज आप अपने अपने कंट्रीज के डॉक्यूमेंट्स बनाना शुरू करें, अपनी सर्विसेज ऑफर करें। आपने चार्ज करना रीजनेबल अमाउंट चार्ज कीजिए, आप लोगों को जिसको चाहिए वो आपको पे कर देगा। आप $200 चार्ज करें, 500 करें, 1000 करें, आप करें चार्ज, आपका राइट है, आपका हक है। लेकिन एक इंफॉर्मेशन को, उस कंप्लीट इंफॉर्मेशन को राइट एक्सपेक्टेशन के साथ, अपने चार्जेस अपनी कॉस्ट के साथ डाल दें, ताकि जिन लोगों को आपकी हेल्प चाहिए वो आपसे रब्ता कर लें। इससे ये होगा कि नॉलेज फैलेगा, पूरे पाकिस्तान में नॉलेज फैलना शुरू हो जाएगा। एक एक बच्चे को इमिग्रेशन का पता होना चाहिए कि कौन से मुल्क में कौन सा वीजा कैसे लिया जाता है। दैट्स माय गोल, ये मैं अचीव करना चाह रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज 100 कंट्रीज का गोल बना के डॉक्यूमेंट्स रेडी करें और पूरे पाकिस्तान को लगा दें, ताकि सबको पता हो कि कौन सा मुल्क कैसे हमने पहुंचना है।